बूंदी जिले के नैनवा कॉलेज को सरकारी दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर उप तहसील कार्यालय पर एवीवीपी दे की ओर से मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया, सरकार द्वारा गत बजट में महाविद्यालय को सरकारी करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के 2 वर्ष के बाद अब तक अमल नहीं हुआ है, जिससे नैनवा उपखंड की 33 ग्राम पंचायतों के करीब 180 गांव के विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। क्षेत्र में अन्य महाविद्यालय 70 किलोमीटर दूर हैं, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं गरीब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिषद ने जून माह में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया सरकारी महाविद्यालय की तर्ज पर प्रारंभ कर महाविद्यालय को सरकारी दर्जा दिलाने की मांग की है। 1 माह में लिखित में आश्वासन नहीं दिया गया तो विद्यालयों द्वारा आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा नैनवा महाविद्यालय के सरकारीकरण को लेकर दई में नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में 30 दिन का समय दिया गया। अगर 30 दिन के अंदर अगर लिखित में आदेश नहीं आता तो जल्दी अभी बाहरी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। बाहरी बोर्ड के सभी विद्यार्थी व नैनवा क्षेत्र के सभी विद्यार्थी व पूरे बूंदी जिले से सभी व्यक्ति मिलकर नैनवा के इतिहास में जोरदार आंदोलन होगा। जनता टाइम्स न्यूज के लिए राजस्थान बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट।